हेलो एवरीवन, रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैंने दो सिरप बनाए हैं, एक है काला खट्टा और दूसरा है ऑरेंज। इस सिरप से हम शरबत बना सकते हैं पानी के साथ, सोडा के साथ। जैसे कि अब गर्मियों के दिनों में आप बाहर से सिरप लाओगे तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो उससे अच्छा कि हम घर पर बना सकते हैं। इसे बहुत ही बनाना आसान है, खाना बनाने से भी आसान है सिरप बनाना। और सिरप से आज हम शरबत बनाना भी आपको सिखाएंगे, तो आप पानी या फिर सोडा के साथ इसे बना सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ पानी ही यूज़ किया है। आपको कितना खटास पसंद है उस हिसाब से आप लो। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टीस्पून इतना ही है काला खट्टा का सिरप लिया है। और यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ ठंडा पानी, और इसका शरबत हो गया है रेडी। बहुत ही टेस्टी, और जो फ्लेवर आपको पसंद है उस फ्लेवर में आप बना सकते हो। कुछ कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो सिर्फ इमल्शन से नहीं बनते, वो सिरप मैं आपको बाद में बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ पर तो सिरप से शरबत बनाना मैंने आपको दिखा दिया, जो आप सबको भी मालूम है, लेकिन इस सिरप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, और पैन में मैंने डाली है चीनी 125 ग्राम, और 1/4 कप इतना यहाँ पर मैंने पानी डाला है, यानी कि 60 ml। 1/2 किलो चीनी के साथ 1/4 कप इतना पानी जाएगा, और यहाँ पर चीनी हमारी मेल्ट होगी। तो मेल्ट होने के बाद इसे हमें थोड़ा सा उबाल लाना है। जितने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने बताई है उतने से सिरप बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। 1/4 TSP इतना मैंने साइट्रिक एसिड डाला है। साइट्रिक एसिड डालने के बाद भी देखिए आप, थोड़ा सा उबाल आ गया है। अब जिस फ्लेवर में आप बनाना चाहते हो उस फ्लेवर का इमल्शन आपको डालना है 1/4 TSP इतना। तो यहाँ पर मैंने काला खट्टा और ऑरेंज भी मैंने बाद में बनाया है, तो सेम प्रोसेस के साथ ही मैंने ऑरेंज बनाया है, इसलिए रेसिपी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई। तो ठंडा करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हो 3 महीने के लिए बिना प्रिजर्वेटिव के। और जब आपका सिरप ख़त्म हो जाए तब आप फिर से बना लीजिएगा। 3 महीने आप इसे बिना प्रिजर्वेटिव के जब चाहे तब शरबत बनाकर इसे पी सकते हो। इस सिरप के आप ऑर्डर भी ले सकते हो। ये प्रोफेशनल कमर्शियल लेवल की रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सी यू सून विथ न्यू रेसिपीज़। बाय बाय।